हेलो एवरीवन, मैं मंदीप मैंडिस किचन से एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। गणेश उत्सव है, गणपति पप्पा मोरिया, तो इनके आज इनके लिए हम स्पेशल इन्हीं की कुछ मिठाई बनाते हैं जो इनको प्रसाद के रूप में हम चढ़ाते हैं। वो है मोदक। मोदक बहुत अलग अलग तरीके के बनाते हैं कुछ तरीके से, तो आज मैं आपको बहुत सिंपल एंड लो शुगर आपको मोदक बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ किचन में ज्वाइन करिए, हम इसे कैसे बनाते हैं और आप अपने किचन में बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये 150 ग्राम, मैंने लिया है मिल्क पाउडर। इस 150 ग्राम मिल्क पाउडर को मैं खाली हल्के हाथ से इसे 5 मिनट ज़रा भूनूंगी। बस ये देखिए हल्का सा भून गया है। अब इसे ज़्यादा नहीं हमने करना, क्योंकि थोड़ा सा कलर इसका वाइट से मैंने हल्का सा ब्राउन जैसा करना है। अब इसके अंदर मैं 150 ग्राम ही एक कप ही सेव दूध डालती हूँ और इसे फटाफट मैं मिक्स कर देती हूँ के अंदर, ताकि और इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। फटाफट इसके अंदर आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं अगर आपको कम लगे। ये इस तरह से मैं पूरा अच्छे से इसे मिक्स कर देती हूँ, दूध पूरा इसमें घुल जाए बहुत अच्छे से। इसके अंदर मैं ये कुटी हुई ये इलायची डाल देती हूँ तोड़ के, हरा वाला नहीं, काली इलायची के बीजे को पाउडर करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अब इसे मैं हल्का हाथ से चलाती रहूँ। अब इसमें हम मिलाएंगे 1.5 चम्मच ये घी। और इसे हम अच्छे से मिक्स खिलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देखिए इस तरह से अच्छे से गाढ़ा हो रहा है ये, इसे पूरा अच्छे से हम गाढ़ा कर देंगे तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए इसका रंग बिल्कुल पोहे के जैसे आ गया है एकदम, इसमें कोई लम्स नहीं है। बस इसे हम हिलाते चलाते जाएंगे एकदम कोया जैसे डार्क तो गाढ़ा हो जाए। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, बस इसे 5 मिनट और मैंने रखा है। इसको देखिए नॉन स्टिक में बनाने से क्या होता है कि ये चिपकता नहीं है और ये आपका जो जल्दी से आपका भुन पोहा बन जाता है। ये देखिए बिल्कुल पैन छोड़ दिया है इसने, बिल्कुल भी जो भी साइड में लगा था सब निकल गया है। और गैस जो भी है इसके तेज करके बनाना है, इसको स्लो करके भूनना नहीं है, नहीं तो फिर वो बहुत टाइम लगता है। तेज करके बनाएंगे तो आपका ये बनेगा बहुत अच्छा। देखिए देखिए इसे प्लेट में मैंने पलट लिया है, ठंडा हो रही है इसे। देखिए आप, ये हमारा काफ़ी ठंडा हो गया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा अपने हाथ, अगर आपके पास मोदक का मोल्ड नहीं है तो आप उसको यूज़ करिए, मैं आपको बिना मोल्ड का बनाना सिखा रही हूँ। ये अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये देखिए इस तरह से इनके छोटे पेड़े बनाएंगे और इन्हें हाथ से इस तरह से हम नीचे से फ्लैट और ऊपर से ये हम राउंड राउंड करते जाएंगे इस तरह से। आप हाथ से इनके शेप देते जाएंगे। हम सारे बना के हम रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप माचिस की तीली लीजिए, टूथपिक लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप इस तरह से इसकी लाइंस बनाते जाइए और ये आपका एक शेप सा बनेगा।